आगे बढ़ते हैं। नए साल का उत्तराखंड में प्रकृति भी बाहें खोलकर स्वागत कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंच रहे सैलानियों के चेहरों पर रौनक बढ़ गई है। आपके सामने चार अलग अलग तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं, देखिए, जिनमें बर्फबारी के बाद प्रकृति की खूबसूरती दिखाई दे रही है। बिल्कुल दीपा, बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त पहाड़ों पर है और भारत में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग का चोपता बर्फबारी से ढका हुआ दिखाई दिया। और यहां हर साल न्यू ईयर पर देश भर से सैलानी पहुंचते हैं, तो वहीं टिहरी में झील और धनौल्टी की रौनक सैलानियों के पहुंचने से और ज्यादा बढ़ चुकी है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी टिहरी का रुख करते हैं और सैलानियों की आमदा से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए। तो वहीं चमोली भी कुदरत की मेहरबानी से चमक बिखेर रही है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर 4 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ के चादर बिछ चुकी है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। ये वही जगह है जहां के अंग्रेज भी दीवाने हुआ करते थे। बर्फबारी के बाद यहां भी न्यू ईयर मनाने आ रहे सैलानियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही बागेश्वर में हो रही बर्फबारी भी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ये चार तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति है उत्तराखंड की, वो आप समझिए। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ये सोने पे सुहागा है जो पर्यटक हैं उनके लिए। न्यू ईयर पर गुलजार चोपता हुआ और साथ ही साथ भारी बर्फबारी से सैलानी यहाँ पर खुश दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर चमोली की है, तीसरी टिहरी की, और बागेश्वर में भी लगातार जो बर्फबारी है उसका आनंद लेते हुए पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। न्यू ईयर का मौका अपने आप में खास हो जाता है और इस तरीके से बर्फबारी हो तो और भी सुंदर तस्वीरें। और जहां एक तरफ नए साल का आगाज हो चुका है और उसके स्वागत के लिए हर कोई जश्न मनाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का बढ़ता खतरा भी लोगों को डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी और उत्तराखंड में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। जहां यूपी में 24 घंटे में 251 कोरोना मरीज पाए गए, तो वहीं उत्तराखंड में भी 88 ये आंकड़ा है। और इसके बाद दोनों ही प्रदेशों में स्वास्थ्य विभाग काफी चौकन्ना दिखाई दे रहा है। यूपी में कोविड के मामले बढ़ने की रफ्तार 4 दिन में 4 गुना से ज्यादा हो गई है। आप समझिए, 28 दिसंबर को यूपी में कोरोना के 80 केस सामने आए थे, जबकि 29 दिसंबर को 118 और 31 दिसंबर को 24 घंटे में 193 नए मामले मिले थे। तो अब 31 दिसंबर को 251 नए कोरोना केस मिलने से तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। 30 के बाद 31 की तारीख में आप देखिए किस तरीके से मामले बढ़े हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने खुद कमान संभालनी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा 61 नए मामले नोएडा से सामने आए हैं। वहीं यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी पिछले 4 दिनों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और दिन पर दिन प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 88 नए कोरोना के मामलों के बाद अब प्रदेश में 302 एक्टिव केसेस हैं, जबकि नए साल का जश्न मनाने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी लोगों का आना अभी जारी है। हालांकि प्रदेश में पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले मुश्किल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।